हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा सैमसंग गलेक्सी A23 5G फ़ोन है, तो सैमसंग गलेक्सी A23 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में स्क्रीन कलर्स हैं, तो स्क्रीन कलर्स वगैरह को आप कैसे चेंज कर सकते हैं सैमसंग गलेक्सी A23 5G फ़ोन में, और कैसे आप स्क्रीन का कलर वगैरह बदल सकते हैं अपने सैमसंग गलेक्सी फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि स्क्रीन कलर्स वगैरह को आप चेंज कैसे कर सकते हैं सैमसंग गलेक्सी A23 5G फ़ोन में, और कलरिंग को कैसे बदलें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं आपके फ़ोन में शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। फिर आपके पास इसमें से सेटिंग्स पे चले जाना है। क्लिक करते ही सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो स्क्रीन कलर्स को कैसे चेंज करेंगे, तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है तो आपको इस ऑप्शंस पे टैप करना है। टैप करते ही ऑप्शंस आ जाएगा। फिर आपको इस वाले ऑप्शंस पे जाना है, विजिबिलिटी कलर करेक्शन सेटिंग्स आ जाएगी, जिसके जरिए कलरिंग को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए बस इसको ऑन करना है और कलरिंग आप चेंज कर पाएंगे। देखते हैं कि कलर आपका कोई भी शो नहीं करेगा, क्योंकि हमने ब्लैक एंड वाइट कर दिया है। एंड आप ब्लू एंड येलो कलरिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पर कलरिंग शो हो जाता है। एंड रेड एंड ग्रीन, जिसमें और भी डिफरेंट टाइप कलरिंग आ जाते हैं। एंड इस तरीके से भी आप कलरिंग को बदल सकते हैं। और आप जैसे कलर प्रॉब्लम ऑफ करना चाहें तो इसको ऑफ करते जो भी कलर आपका नॉर्मल तरीके से पहले जैसा शो करता है। तो इस तरीके से भी कलरिंग को आप चेंज कर सकते हैं, और चाहें तो ब्लैक स्क्रीन प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से स्क्रीन आपकी हो जाती है तो इसको भी आप ठीक कर सकते हैं। यहाँ से ऑफ़ कर देंगे तो आपका जो कलर है पहले जैसा नॉर्मल शो करेगा। तो इस तरीके से स्क्रीन कलर्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं और कलरिंग को भी ठीक कर सकते हैं, कलर प्रॉब्लम भी बदल सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।